हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स और हमारा नेक्स्ट पार्ट है आज डेफिनेट इंटीग्रेशन पर, फिफ्थ नंबर का पार्ट है। आप कंटिन्यूअस हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम एक एक करके हर पार्ट में एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ जो स्पेशल टाइप की इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था। आपको याद होगा जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था, अनिश्चित समाकलन, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ा था। उस स्पेशल टाइप्स को हम डेफिनेट में किस तरह से बनाते हैं, इसके क्वेश्चन आज हम देखेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको थोड़ा सा शेयर कर लूँ पहले पढ़ाने से पहले, कि पिछला वाला आपने वीडियो देखा होगा तो पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में, बाद में मैंने उसको केयर किया, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जब मुझे पुट करना था तो वहाँ पर मैं x इक्वल टू टेन थीटा सपोज किया था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पुट करते समय 2 साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा धोखे से लिख लिया, क्योंकि बाहर में साइन स्क्वायर था, तो साइन लिखते लिखते सब में साइन, बाकी आगे करेक्ट हो गया वो, तो ये आप करेक्ट कर लें। वैसे मैंने पिन कर दिया वहाँ पर, तो ये कोई खैर बड़ी बात नहीं है, आप उसको समझ रहे हैं। तो x इक्वल टू टेन थीटा जब मैं सपोज किया था तो टेन थीटा ही यहाँ पुट करना है, इस साइन के फ्लो में लिख लिया। ऐसा जनरली पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, कभी ध्यान में नहीं आता या समझाने का दिमाग में रहता है ये चीज़ समझाना है और वो लिखा कुछ और जाता है, ये करेक्ट कर लेना। ओके, और आगे चल के इसको मैंने फिर ऐसा लिख लिया है साइन इनवर्स साइन टू थीटा, क्योंकि दिमाग में तो मेरा था कि टेन थीटा पुट करने के बाद ये साइन टू थीटा बनेगा, ये आप करेक्ट कर लेना। और इस तरह का कभी कुछ हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर लो, उतना समझ सकते हो। ये भूलवश मैंने लिख लिया है, ठीक है, भूलवश लिख लिया था, लिखना था टेन थीटा, लिख लिया साइन थीटा। ओके, वैसे मैंने वहाँ पिन कर दिया है उसको, जो भी उस वीडियो को देखेगा वह केयर करेगा। चलिए तो आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा -1 to 1 dx अपन -1 to 1 dx अपन x² + 2x + 5 x² + 2x + 5। क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न है डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं हर वीडियो में आपको, जब से मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि आपका पीछे का इंटीग्रेशन में प्रॉपर कमांड होना चाहिए, तो नेचुरली आप इसको इंटीग्रेशन आपको करना आता है, बस लिमिट रखना है इसमें। चलिए तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। हम क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसका होल स्क्वायरिंग बनाना होता है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे अपन, इंटीग्रेशन आप -2 to 1 डी एक्स अपन, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर होना चाहिए x² + ये 2x है तो 2ab 2x लिख दिया, इनटू यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं 2ab के लिए। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर चाहिए तो +1 लिख लिया, 1 का स्क्वायर या फिर 1 ऐसा शो कर दिया मैं 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर -1 करेंगे तो 5 है तो डायरेक्ट उसको माइनस करके मैं उसके साथ में लिख दिया, +4 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 4 + 1 क्या होगा, 5 होगा, 2x तो 2x, केवल मैंने उसको शो किया है दैट इक्वल। अब आगे इसको हम लिखें, वैसे इसमें आपको ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको पूरा बताया गया है और सब आपका तैयार भी होगा पीछे का। अब इतने को हम क्या लिख सकते हैं, यह है x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 4 को अपन लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये a² + b² के फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x + 1 को t, नाउ पुट x + 1 इक्वल टू टी, देयरफॉर dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर हम इसके सब्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर देते हैं, इफ़ x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है -1, एफ x इक्वल टू -1 देन यहाँ पर -1 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर -1 रखने से। और सेकेंड है इफ़ x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू x इक्वल टू, हम यहाँ पर अपर लिमिट को रखें इसको 1 को, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2, तो ये 2 हो जाएंगे। इस सब्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन में रख देते हैं, आसान है एक्चुअल में, आप कुछ नया इसमें नहीं सीख रहा, सिर्फ लिमिट रखना आना चाहिए ना। तो ये लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा क्या, 0 to 2 और dx का वैल्यू क्या है dt, ये हो गया dt, और अपान ये x प्लस
वन क्या है, टी है, ये हो गया टी का स्क्वायर और प्लस ये टू का स्क्वायर, ये हो गया डी टी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और इसका फार्मूला हमको पता है क्या, वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, ये इसका फार्मूला होता है। दैट इक्वल इंटीग्रेशन करने के बाद वन अपान ए मतलब वन अपान टू, ए का वैल्यू ये है, इंटीग्रेशन होने के बाद अपन साइन हटा देंगे और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी अपान ए का वैल्यू कितना टू, ये जीरो टू टू, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर रखने का दो तरीका है, अब लिमिट रखने का दो तरीका है, या तो आप टी के वैल्यू को यहाँ से पुट कर दो, टी का वैल्यू एक्स प्लस वन पुट कर दो, या लिमिट को सीधा रखा जा सकता है। अब दोबारा रखने का मतलब सीधा हम लिमिट को यहाँ पर रखते हैं, तो दैट इक्वल ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम रखेंगे अपर लिमिट को, टी के जगह में टू रखेंगे, तो हो जाएगा टेन इनवर्स टू अपॉइंट टू माइनस लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो टेन इनवर्स जीरो जीरो होगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो, ये लिमिट रख दिया। दैट इक्वल वन अपॉइंट टू, ये टू टू कैंसिल आउट होएगा, तो आएगा टेन इनवर्स वन, एंड टेन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर, पाई बाई फोर मीन्स 45 डिग्री का वैल्यू वन होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर और माइनस ये तो जीरो होगा। दैट इक्वल अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा पाई बाई एट, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। देखो आपको याद होगा कि ये जो इंटीग्रेशन हम इस तरह से करते थे, आप नया काम क्या किए हो, बस इतना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो आपने हमारा टेक्निक अब इतने दिनों में पकड़ लिया होगा कि सेम टाइप के 50 क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वर्क फास्ट होगा, एररलेस वर्क करोगे, अच्छा है, लेकिन पैटर्न मिस नहीं होना चाहिए। हर पैटर्न का क्वेश्चन कम से कम एक आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह के और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, वैसे आप डेफिनेट इनडेफिनिट में किए हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया, सारे पैटर्न के क्वेश्चन कर लिया, मैं उस टाइप के एक क्वेश्चन को आपको बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको लगभग सभी पैटर्न के स्पेशल टाइप के मैं बता दूं, खासकर जो एनसीईआरटी में दिए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन पर, आंशिक भिन्न पर, वन टू टू एक्स डी एक्स आई इक्वल वन टू टू एक्स डी एक्स अपन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्न से होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप आंशिक भिन्न को थोड़ा पूरा ब्रेक कर लो, उसके बाद लिमिट, क्योंकि उसके साथ मिलने के वर्क करोगे तो बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसके आंशिक भिन्न वाले पोर्शन को अलग निकाल लेते हैं कि सपोज एक्स अपान एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इक्वल, ये सब आपको पता है, ए अपान एक्स प्लस वन प्लस, इस टॉपिक को पढ़ाओ तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हम कोई नया चीज़ पढ़ा रहे हैं, सब पहले का रिवीजन है। इसीलिए कभी भी मैं हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का मतलब है पीछे के इंटीग्रेशन का रिवीजन, रिवीजन क्लास एक तरह का ये, आप सिर्फ लिमिट भर के एक नया काम कर रहे हो, ठीक है। लास्ट में जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो बस अलग होगा। अब क्या करेंगे अपन, इसका पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। देयरफॉर इफ एक्स इक्वल टू, इसको जीरो कर दें, माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन रखेंगे, यहाँ माइनस वन रखेंगे जीरो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस वन इक्वल, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ माइनस वन रखूँगा तो टू माइनस वन वन होगा, क्या बचेगा ए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन। एंड सेकेंड इफ एक्स इक्वल टू, इसको जीरो करना है तो माइनस टू, देन माइनस टू इक्वल टू, ये जीरो होगा, यहाँ माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस बी होगा, ये माइनस बी, देयर फोर बी इक्वल टू टू, तो बी का वैल्यू टू आ जाएगा, ए का वैल्यू ये हो जाएगा। देयर फोर हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर, अब वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू ए अपॉन ए का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ये हमको मिलेगा। ओके, अब इसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना है, तो नाउ
अब मैं सीधा इसको आई लिख रहा हूँ, आई मतलब ये क्वेश्चन, आई मतलब ये क्वेश्चन है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, इसका होल इंटीग्रेशन, और लिमिट हमको क्वेश्चन में दिया है 1 to 2, ये 1 to 2 लिमिट में रख देंगे। आ गया समझ में? तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, फिर अपने क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, अब हम लिमिट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने पर अब क्या हो जाएगा, देखो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का एक्स करें रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स प्लस वन प्लस ये टू तो सामने होगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू एंड लिमिट इज 1 to 2। अब 1 to 2 इसके लिमिट को रख देंगे, दैट इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को पहले रख लें, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद लिमिट को रखता हूँ। ये इसका स्क्वायर में चला जाएगा, ये 2 इसके स्क्वायर में चला जाएगा, और लॉग एम अपॉन एन, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। ऐसा करने से आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि लिमिट फिर लेंथ ही नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन से इसको सॉल्व कर दिया, 2 इसके पावर में चला गया, ओके। अब हम लिखेंगे इसके लिमिट को, लॉग एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन, लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। एक बार और लिख देता हूँ क्वेश्चन को, पीछे पेज से बार बार कौन देखेगा, है ना। लिमिट क्या है, 1 to 2 दैट इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट को रखो यहाँ पर, तो हो जाएगा लॉग, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 2, एक बार वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 प्लस 2 अंश बस में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 ये होगा, और माइनस लोअर लिमिट लॉग, यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 ये रख दिया, दैट इक्वल ये हो जाएगा लॉग 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 3 माइनस लॉग 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब लॉग अप एम अपॉन एन का फिर अपन फार्मूला लगा सकते हैं, तो दैट इक्वल हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग ए हो जाएगा 16 अपॉन 3 और अपॉन 9 अपॉन 2, दैट इक्वल लॉग, इसको सॉल्व कर लें तो 16 अपॉन 3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 9, दैट इक्वल टू लॉग, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, 32 अपॉन 27 कितना आंसर देता है, लॉग 32 अपॉन 27 लॉग 32 अपॉन 27 ओके। आंसर एक बार टेली करना जरूरी होता है, क्या है कभी भूल वस अपन कहीं कुछ कर डालें, तो एक बार उसको देखना जरूरी। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लॉग 32 अपॉन 27। तो पहले मैंने आपको स्पेशल टाइप का बताया, इसके बाद बताया मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड, तो पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे करोगे, इसी तरह से पूरे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जितना आपने बनाया है सब ऐसे ही बनेगा, ओके। मैं एक एक पैटर्न आपको बता देता हूँ, ताकि आपका उस पर कमांड आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि उन प्रश्नों में लिमिट कैसे अप्लाई करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन है, 0 to 1 एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 + x, आई इक्वल टू 0 to 1। जनरली मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ वो बहुत सोच समझ के करता हूँ, उसके पीछे पूरा मेरा रिसर्च होता है कि इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, आएगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें नयापन क्या है, इस तरह से जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको आपको 100% करना है। रूट ऑफ 1 + x माइनस रूट एक्स, रूट ऑफ 1 + x माइनस रूट एक्स, ये क्वेश्चन नेचुरली आपको क्वेश्चन को देखते ही ऑब्जर्वेशन से पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमको इसका क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए, इसका परिमेयीकरण करना चाहिए, परिमेयीकरण करने के बाद ही सिंप्लीफाई होगा, अभी तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले इसको हम परिमेयीकरण करें, रेशनलाइज करें, dx अपॉन रूट ऑफ 1 + x माइनस
रूट ऑफ एक्स और इनटू इसका अपोजिट साइड को साइन को हम मना कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स दैट इक्वल। अब इसका इंटीग्रेशन करें हम तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन ऊपर हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये होगा क्लियर ठीक है। अब यहाँ पर x x के साथ में कैंसल आउट होके और इसको अपन सिंप्लीफाई कर लें तो 0 टू 1 ये तो कैंसल आउट होके 1 बस बचेगा तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको अलग अलग इंडिविजुअल हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं दैट इक्वल अलग अलग लिखें इस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 1 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब सिंपल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन दैट इक्वल ये इंटीग्रेशन करने के बाद x का पावर हाफ है तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1 बाई टू मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना सम करके लिख देता हूँ मैं सीधा उसको इतना लेंदी कौन लिखेगा तो 1 प्लस 1 बाई टू मतलब हो गया ये 3 बाई टू और नीचे भी ये हो जाएगा 3 बाई टू लिमिट यहीं रख देते हैं 0 टू 1 प्लस इसका भी इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 बाई टू ये भी 3 बाई टू और अपन 3 बाई टू फ्रॉम 0 टू 1। अब हम लिमिट रखने का काम करते हैं यह 3 बाई टू ऊपर जाकर हो जाएगा 2 बाई थ्री अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट वन रख देते हैं तो 1 प्लस 1 पावर 3 बाई टू लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा और प्लस कुछ नहीं है बहुत आसान है ये इसको रखेंगे तो 1 का पावर ये 1 ही होगा और माइनस 0 दैट इक्वल ये हो जाएगा 2 बाई थ्री प्लस इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना ठीक है माइनस लोअर लिमिट को ठीक से रखें है ना अपन 0 है तो 0 ही हो जाएगा ठीक ये 2 हो जाएगा तो 2 का पावर हो गया 3 बाई टू प्लस 2 बाई थ्री ओके दैट इक्वल। अब वैल्यू यहाँ पर पुट अप करो, अब यहाँ पर वैल्यू को अपन पुट अप करेंगे क्या क्या सॉल्व किया जा सकता है इसमें 2 बाई थ्री कॉमन है और 2 टू द पावर 2 बाई थ्री इसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर बेस इसका 2 का पावर इतना इसका 2 का पावर 1 है बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या 2 का पावर बाकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये तो इसको लिख लिया मैं या 2 टू द पावर किस फॉर्म में आंसर दिया है एक बार देख लेता हूँ बुक जैसा आंसर लाना भी ठीक है। इसका आंसर आया है 2 टू द पावर 5 बाई 2 अपॉन 3 मैं बोला ना 2 टू द पावर 5 बाई 3 चलो ठीक है 2 बाई 3 को मैं कॉमन किया यहाँ से ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता आप अपने फॉर्म में ला के छोड़ सकते हैं आंसर लेकिन जनरली हम बुक का आंसर ला के तो सेटिस्फाई होते हैं कि आंसर आ गया है ना 2 बाई 3 को कॉमन किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 2 बाई थ्री कॉमन करूँगा 2 टू पावर 3 बाई 2 प्लस 1 फिर उसके आगे सिंप्लीफाई हो गया आंसर कैसे आया है 3 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 0 टू 1 ही है ना लिमिट तो बुक का आंसर कैसे नहीं आ रहा है ये यहाँ पर लिमिट रखने मिस्टेक कर दिया क्या अपर लिमिट 1 रखा तो 1 प्लस 1 इतना लोअर लिमिट 0
लोअर लिमिट को जीरो भी तो रखना पड़ेगा यहाँ पर। लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो केवल यहाँ जीरो रखाएगा ना, या अकेला एक्स है तो जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, तभी आंसर नहीं आ रहा था। एक मिनट यहाँ मैं सुधार करता हूँ ना, लोअर लिमिट को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलो एक बार ध्यान देना, अपर लिमिट को रखूंगा मैं कहाँ पर, ये तो ओवरऑल बाहर है 2/3, यहाँ रखूंगा तो 1+1 हो गया, इसका पावर तो 3/2 हो गया। माइनस लोअर लिमिट जीरो को मैं सीधा जीरो लिख दिया था, लेकिन जीरो तो केवल यहाँ रखाएगा ना, तो 1 तो बचा रहेगा, 1 बचा रहेगा तो -1 आएगा, 1 का पावर 3/2 मतलब 1 आएगा, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, बुक आंसर टेली नहीं हो रहा है। और ये तो हो जाएगा सीधा 1 का पावर मतलब 1, 3/2 तो बाहर लिख दो और माइनस जीरो क्योंकि अकेला जीरो है। अब ठीक, दैट इक्वल ये हो गया 2/3 इंटू यहाँ पर 1 का पावर मतलब 2 का पावर 3/2 होगा और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 और 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 है, हो जाएगा 2/3 +2/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, और दैट इक्वल इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का पावर 1 है तो 1 + 3/2 2 एलसीएम आएगा 5/2 2 to the power 5/2/3 ये आंसर दिया है। वही मैं सोच रहा था, वैसा तो सॉल्व होता ही नहीं, ये हम यहाँ पर अपर लोअर लिमिट को भी रखना जरूरी क्योंकि 1 है, तब तो यहाँ पर 0 होगा। बाई द वे ये सिर्फ अकेले एक्स जैसा होता तो फिर पूरा 0 हो जाता, ये हम लिखना भूल गए थे। तो ये आएगा 2 to the power 5/2/3, थोड़ा लिमिट रखते समय सावधानी रखना है, ठीक है, हमको क्या है समझाने के चक्कर में ध्यान सुधर जाता है, तो ये आप लिमिट वगैरह बहुत ध्यान से रखोगे, बाकी इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके बोर्ड एग्जाम में सिंपल फॉर्म में भी आने का बहुत चांस है। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो मैं बार बार आपको समझाया हूँ, ये क्वेश्चन आप कभी नहीं मिस करना। 5 + 4 cos x 5 + इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि कितने बार आ गया मुझे यह ध्यान नहीं है, 5 + 4 या 4 + 5, क्योंकि वो 9 आता है पूरा, उसका एडजस्टमेंट सेटिंग पर है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है इंटीग्रेशन में। इसी को यहाँ पर डेफिनेट में दे रहा है 0 to π, बस इसमें लिमिट लगा दिया, नया बात इसमें केवल क्या है लिमिट पुट कर दिया, तो चलिए आपका वो रिविजन हो जाएगा पीछे के क्वेश्चन का। क्या करते हैं इसमें याद है, इसमें हम करेंगे 0 to π dx अपन यहाँ पर क्रिएट करते हैं cos²x + sin²x, तो 5 को बाहर लिख के हमने लिख दिया यहाँ पर cos²x + sin²x, फिक्स मेथड है इसका, क्योंकि cos²x + sin²x 1 होगा या sin²x + cos²x ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि cos को पहले लिखो, और प्लस 4 इसको हम लिखते हैं cos x को cos²x / sin²x/2, ये इसका बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। दैट इक्वल ये हो जाएगा 0 to π और dx अपॉन 5 cos²x 4 cos²x, क्या हो जाएगा 9 cos²x, बिल्कुल फिक्स है वो, 5 - 4 तो हो जाएगा -5 sin², 4 होगा तो -sin²x ये होगा। इसके बाद cos² को कॉमन करके ऊपर ले जाते हैं, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये sec²x dx और अपन cos² को कॉमन किया है तो कितना हो जाएगा 9, माइनस यहाँ पर cos² को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ये 10²x, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट अप करते हैं, क्या 10x को हम सपोज करते हैं t, ठीक है, लाख के फॉर्म में आंसर देना है, किस फॉर्म में देना है, इसके आंसर के दो फॉर्म आते हैं x² + a² 5 sin²x, 5 में 4 माइनस होगा ये प्लस आएगा,
ये प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको होना है। तो अब यहाँ पर हम सब्सिट्यूट कर देते हैं, क्या सब्सिट्यूट करोगे, 10x को। नाउ 10x इक्वल टू टी, देयर फोर sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा। लिमिट पुट कर दो, इफ़ x इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो t भी क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ से टेन जीरो जीरो होता है। एंड इफ x इक्वल टू पाई देन t इक्वल टू, ठीक है, पाई इसका वैल्यू रखें, टेन पाई कितना हो जाता है, पाई बाई टू से इन्फिनिटी होता है ना, टेन पाई, लिमिट में पाई है कि पाई बाई टू है, क्वेश्चन में लिमिट में टेन पाई है कि टेन पाई बाई टू है, इन्फिनिटी आना चाहिए। अरे मेरा भी दिमाग, यहाँ x बाई टू के फॉर्म में चेंज करेंगे ना cos x को, तो ये मैं लिखा गलत नहीं हूँ, सही हूँ, लेकिन यहाँ पर जब हाफ एंगल है तो यहाँ भी हाफ एंगल करना पड़ेगा, तभी मैं सोच रहा था कि पाई को तो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होगा। इसको x बाई टू करो, x बाई टू, यदि यहाँ पर एक cos 2x होता, यदि इस क्वेश्चन में एक cos 2x होता तो इसको cos स्क्वायर sin स्क्वायर, मतलब दोनों को सिमिलर एंगल रखना है, ये भी वन होगा भी वन होगा, तो सब हाफ एंगल हो जाएगा, ये हाफ एंगल हो जाएगा, जितना भी है ये अपॉइंट टू हो जाएगा इस तरह से, तो 10x अपॉइंट टू इसको मिटा ही दूंगा। टेन एक्स बाई टू को पुट करना पड़ेगा अब अपने को, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चेंज हो जाएगा, 10x बाई टू इक्वल टू टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, तो 2 यहाँ पर, तो 2 sec स्क्वायर एक्स बाई टू और इंटू 2 dx इक्वल डी टी, देयरफॉर sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, ये होगा। अब लिमिट पुट करो, इफ x इक्वल टू जीरो देन t इज आल्सो जीरो, यहाँ जीरो रखेंगे तो, एंड इफ x इक्वल टू पाई देन t इक्वल टू, यहाँ पाई रखेंगे तो पाई बाई टू, तो ये इन्फिनिटी आएगा, ये जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट होता है, ठीक है, इस तरह से ये इंटीग्रेट होगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करें अपन वैल्यू को पुट अप करके, तो देयरफॉर आई इक्वल टू, अब लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज होकर क्या हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी बाई टू, टू डी टी आना चाहिए ना, sec स्क्वायर एक्स बाई टू टी, टेन एक्स बाई टू का डिफरेंस sec एक्स बाई टू और x बाई टू का 1/2, तो इसका सामने मल्टीप्लाई होगा, 1/2 होगा ये ना, 1/2, वन अपॉइंट टू, तो इधर जाके टू सामने आएगा, टू डी टी अपॉन 9+t² ऐसा होगा, दैट इक्वल टू और 1/a, तो 3 का स्क्वायर है, 2/3 अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी अपॉन 3, क्योंकि a का वैल्यू 3 है और हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, दैट इक्वल 2/3 अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो टेन इन्फिनिटी, ठीक है, टेन इन्फिनिटी फिर वही हो जाएगा, टेन इन्फिनिटी को क्या है, x इक्वल टू पाई, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू ये हो जाएगा पाई बाई टू और टेन जीरो जीरो, दैट इक्वल टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाई थ्री, फाइनल आंसर पाई बाई थ्री आया, क्या आया, पाई बाई थ्री, ओके। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पर x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो सामने मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेट होने से वो टू आता, यहाँ पर ध्यान रखना, डिफ्रेंशिएट करना होता है ना इसका, कभी कभी दोनों पढ़ते रहो तो इंटीग्रेशन की जगह हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाता है धोखे से, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये जो मैं आपको आज के क्लास में जो बताया वो क्या है, इंटीग्रेशन के जो स्पेशल टाइप थे, जो विशेष प्रकार थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये हम यहाँ पर कंप्लीट किए इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन को मैं आपको पार्ट पार्ट में बता रहा हूँ, एक एक पैटर्न के हिसाब से। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज़, जो कि मैं रोज़ आपको याद दिलाता हूं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वही सब कुछ है, क्योंकि अभी तक आपने जो निश्चित समाकलन पढ़ा है उसमें कुछ नहीं, सबसे पहले लिमिट आप सम हो तो अलग चीज़ हो गया, फिर फंडामेंटल थ्योरम में समान इंटीग्रेशन करो
और अपर लोअर लिमिट को पुट अप कर दो। उसके बाद फिर हमने देखा पैटर्न के हिसाब से कि साइन इन्वर्स का कैसा होता है, कास इन्वर्स कैसा होता है, सेक का कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। फिर हमने देखा सब्स्टिट्यूशन से कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम डिफरेंट इंटीग्रेशन, और आज हम पढ़े इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स। ओके, तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंपल पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करूँगा, और आगे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो प्रॉपर्टी के हेल्प से करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।